बता दो। बाबा आपसे बहुत नाराज है। छोड़ो, ये तो उसकी आदत है। दादो, आज जब अब्बा ने सबके सामने मुझे अपनी बेटी कह दिया तो वो भला ऐसा क्यों करेंगे? दादो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पहली बार इतने प्यार से मुझे अपनी बेटी कहा। और इसीलिए झूठ बोलकर तुमने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। दादो आपको तो पता है हम कैसे रह सकते थे बाबा के बगैर। बेशक वो हमसे प्यार नहीं करते लेकिन हमें उनकी जरूरत है। काश उसे भी तुम लोगों की जरूरत का एहसास हो, महसूस हो। वैसे दादो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, मुझे अब्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपको मजबूर करके लेके गई थी हाला की तरफ, इसलिए अब्बा को गुस्सा आ गया था। और आपको पता है अब्बा ने गुस्से में आके वो लड्डू इसलिए दिया था क्योंकि मैंने उनके खिलाफ काम किया था। लेकिन दादो अब तो अब्बा मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लेकिन शहजाद तो मुझसे नाराज हो गए। नहीं, वो भला क्यों नाराज होगा? क्योंकि दादो वो मुझे हमेशा झूठ बोलने से मना करता है, कहता है कि सच का साथ दो। उसे आज मेरे झूठ बोलने पर बहुत दुख हुआ होगा। छोड़ो, शहजाद तो राजी हो ही जाए। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना दादो? खुदा से डर नहीं लगा तुझे ये सब कुछ करते हुए? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सईद के घर से मिला, मेरी वाइफ को शक शायद इस लड्डू में कुछ गड़बड़ हो। तुम्हारे बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि तुम अपनी बेटी से बहुत नफरत करते थे। बात बात पर डांटना और मारना तुम्हारा मामूल। अफसोस तो इसी बात का है, दुश्मनी तो निभाई है तुमने अपनी बेटी।